तुम लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, हमारा कल्चर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारा कल्चर निकाह है और हया है और पाक दामनी। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। अपनी इज्जत की, अपने नामूस की, अपनी चादर की, अपने दामन की हिफाजत करो। हम अपने वालदैन की राय के साथ करते हैं शादियां भी निकाह भी, उनकी दुआएं साथ लेकर करते हैं। इस कल्चर ने कोर्ट निकाह तक लड़कों को पहुंचा दिया और कोर्ट के निकाह 99.9 क्या 110% नाकाम होते हैं कि जब गर्लफ्रेंड बीवी बन जाती है फिर वो डायन बन जाती है, फिर वो बीवी नहीं होती है, फिर वो सारी मोहब्बत खत्म हो जाती हैं, फिर आए अग्गर दुंदा मगर मगर होंगी। तो वो मोहब्बत जो शादी के बाद पैदा होती है वो असल मोहब्बत होती है, वो असल प्यार होता है। लिहाजा बच्चों, मैं आपको नसीहत करता हूँ अपनी तहजीब को, हमारी मशरकी तहजीब नहीं हमारी इस्लामी तहजीब, हमारी मशरकी अकदार नहीं हमारी ईमानी अकदार, हमारी वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज हमें मशरक ने नहीं दी, हमें हमारे नबी ने दी। तो अल्लाह के वास्ते अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपने माँ बाप की। हाँ, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है पसंद ना पसंद का, इस हद तक कोई मना नहीं है, लेकिन आखिर तक माँ बाप को ठुकरा के चले जाना, उस माँ को ठुकरा देना जिसकी छातियां लटक गई तुम्हें दूध पिलाते पिलाते, उस माँ को ठुकरा देना। ये जुल्म कभी ना करना, वरना कभी हरे नहीं हो, कभी सब्जा नहीं आएगा, कभी हरियाली नहीं आएगी, कभी खुशी नहीं देखोगे। और माँ बाप की दुआएं चाहे वो सख्त भी कर जाएं, ज्यादती भी कर जाएं, आपको वहां तक पहुंचाएंगी कि फरिश्ते भी नीचे रह जाएंगे। और बच्चे हो, एक दूसरे से लड़ाई भी होगी, एक दूसरे से तुम्हारा बोलचाल भी बंद होगा, तो मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि यहाँ उठने के बाद सुलह कर लें। ये बच्चियों से भी कहता हूँ, कईयों की आपस में खटपट हो जाती है, आप एक जगह पढ़ते रहते हैं, खटपट हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, ये मेरे अल्लाह को पसंद नहीं, मेरे नबी को पसंद नहीं। बच्चो, एक दूसरे को खुश होकर मिलो, चंद दिन की जिंदगी है, मर जाना है, चले जाना है, असल ठिकाना तो अल्लाह आगे लाने वाला है जिसका नाम जन्नत है।